अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज जो मैं आप सब के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मुझे एक बुक से मिला था। सो वन डे आई वाज गोइंग थ्रू माय सन्स बुक कलेक्शन एंड देयर आई फाउंड सम वेरी डीप मैसेजेस दैट वर इलस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर फॉर द किड्स। सो दीज आर बेसिकली लाइफ लेसन्स। अगर हम इसको समझ लें तो मे बी हमारी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ आ जाएँ, हमें ज़िंदगी गुजारने में कुछ आसानी हो जाए। सो आई थॉट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मैसेज, दैट इज़ हाउ टू कीप योर सेल्फ काम इन ऑड सिचुएशंस। जब भी आपको लगे, जब भी आपको किसी बात पे या किसी के रवैये से गुस्सा आए, तो सबसे पहले अपने माइंड को आप रिलैक्स करें। आप सबसे पहले अपना ध्यान उस बात से कहीं और शिफ्ट करें और पुरसकून होकर डीप ब्रीथिंग करें, दैट इज़ इनहेल एंड एक्सहेल एक्टिविटी। इससे आपके दिमाग का तनाव जो है वो कम होगा और आप बेहतर फील करेंगे। गुस्सा जो है वो आपकी वैसे भी प्रोडक्टिविटी को जो है कम करता है, तो गुस्सा करना इट्स नॉट गुड। जब आपको लगे कि ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है या फिर किसी बात पे पॉसिबली आपको गुस्सा आ सकता है, तो आप जो है अपना माइंड जो है आप डाइवर्ट करें। इससे ये आपके लिए ही बेहतर है और आपके जो इर्द गिर्द में आपकी जो फैमिली है उनके लिए भी अच्छा है कि आप गुस्सा करेंगे तो ऑब्वियसली उन पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये है कि टॉक पोलाइटली। जब दूसरा शख्स आपसे बिला वजह उलझ रहा हो या रूडली बात कर रहा हो, तो आपको तहम्मुल से काम लेना है। अगर आप भी इसी की तरह बदतमीज़ी से या एरोगेंट टोन में बात करेंगे, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। तो इस चीज़ के पॉजिटिव साइड ये है कि आपके ऐसा करने से मे भी दूसरे शख्स को भी एहसास हो जाए कि वो गलत कर रहा है और वो अपना रवैया आपसे दुरुस्त कर ले, ठीक है ना जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स में भी आपस में ना बहुत इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई एक पार्टी या कोई एक पार्टी जो है अगर ठंडे दिमाग से सोच के आराम से बात करके मामला सॉर्ट आउट कर ले, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू टॉक पोलाइटली, बिकॉज आराम से बात करके यू कैन रिजॉल्व मैनी ईशूज ईजीली। अच्छा, फिर आता है जो मुझे ये कॉन्सेप्ट अपने बच्चे की उसमें बेटे की बुक से मिला कि वेट फॉर योर टर्न। बेसिकली ये बच्चों के लिए था कि जैसे जब उनको लाइंस फॉर्म करवाई जाती हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार करें वो। लेकिन अगर मैं इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव पे अगर मैं देखूँ, तो ये हम बड़ों पर भी बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट होता है ये चीज़ कि हैव सम पेशेंस। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट चले गए, सिनेमा, सुपर स्टोर, कहीं भी जाएं, तो वहाँ पे आप जो क्यू बनी है पहले से आप उसको ऑब्ज़र्व करें, और जब आप क्यू में लाइन में लग गए हों तो प्लीज़ थोड़ा गैप दे के खड़े हों, ताकि आगे वाले को आपका सामान या शॉपिंग बैग्स या ट्रॉली अगर आपके पास है तो वो ना लगे। ये आपके सिंपल एटिकेट्स में आता है। जैसे जब बच्चों को स्कूल में ऑफ टाइम पे लाइंस फॉर्म करवाई जाती हैं तो उनसे डिस्टेंस रखवाया जाता है कि एक बच्चे का बैग दूसरे को ना लगे या फिर कुछ मतलब परेशानी ना हो, क्योंकि अगर एक बच्चा या फिर एक बंदा जो है वो ऐसा करेगा तो उससे आपकी पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, कभी जल्दबाजी ना करें, वेट फॉर योर टर्न ऑलवेज। जब आप किसी रेस्टोरेंट या सिनेमा जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ जो है वो पहले उन्हें ही सर्व करेगा जो पहले आए होंगे। अगर उसने आपको पहले सर्व कर दिया और आप बाद में आए हुए, तो ये अनफेयर एक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो यू हैव टू हैव सम पेशेंस फॉर इट। फॉरगिव मोर। कोशिश करें कि जिनको आप माफ़ कर सकते हैं माफ़ कर दें। प्लीज़ दिल में ग्रज ना रखें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने दिल का हाल अपने पेरेंट्स को या किसी क्लोज रिलेटिव को या किसी क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर कर लें, या फिर जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इससे आप खुद ना एक रिलैक्स फील करेंगे, आपको इस शख्स को माफ़ करने में आसानी भी होगी, क्योंकि अगर आप ग्रज को बहुत दिन तक अपने दिल में रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बोल के दिल हल्का कर लिया करें। अगर किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो और बाद में एहसास हो उसको और वो माफ़ी मांगने भी आए, एक्सप्लेनेशन दे कि ऐसा उसने क्यों किया था, तो आप उसकी बात सुने, तसल्ली से गौर से बात सुने और माफ़ कर दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आइंदा एहतियात करेगा और फिर से ऐसा नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ लाइफ लेसन्स थे जो आई कलेक्ट फ्रॉम माई सन्स बुक्स कलेक्शन। उम्मीद है आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा।
तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जो है आप पॉजिटिविटी बांटिए, मतलब पॉजिटिव रहिए, आप रहेंगे पॉजिटिव, आपके घर के लोग भी आपके साथ वैसे ही रहेंगे। अगर घर का एक बंदा भी, एक शख्स भी अगर गुस्से में होता है तो इससे आपके पूरे घर के इन्वायरमेंट पर फ़र्क आ जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ। इवन ये सब कुछ मुझ पर भी इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज आई एट टाइम्स गेट एंग्री ऑल, जैसे सब माएँ होती हैं। तो बस ये है कि हम ये लेसन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है, छोटों बड़ों सब के लिए। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।